तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग नाइट पहली रात स्प्लिट्सविला में हम सुबह सुबह उठे, हम देखते हैं कि हमारे लिए एक मैसेज आया हुआ था। इट्स टाइम फॉर योर फर्स्ट बे वॉश सेशन। बे वॉच सेशन होगा। आई मीन पटाते रहो सेशन के बारे में तो हमने सुना था प्रीवियस सीजंस में, लेकिन ये बे वॉच क्या था? Okay, but before that, girls will be dividing themselves into two equal teams, and boys, you guys will just have fun. Hello. जब हम आए तो सनी एंड रणविजय वहाँ पे खड़े हुए थे। वॉज अ ब्यूटिफुल सेटअप। वहाँ पे पीछे कुछ अम्ब्रेलास थे एंड सनी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। Welcome to MTV Splitsvilla 10. Welcome to your first ever Baywatch. Baywatch session शायद एक नया concept था और हम लोग बहुत excited थे कि क्या होने वाला है। Before anyone else, मतलब इससे पहले कि आपके ideal match को कोई और देखे, आप जकड़ लो से। ये experiment आपको मदद करेगी to know more about your ideal matches. जो इस सेशन में जीतेगा उनको ही टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वो चैलेंज जीतना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो चैलेंज हम लोग जीत जाते हैं तो लड़कियों के पास एक एडवांटेज होता है कि हम अपने पार्टनर को पिक कर सकते हैं आगे के कॉम्पिटिशन के लिए। ऋतु से लेकर अनमोल तक और खुशी से लेकर दिव्या तक, ये दो ग्रुप्स आपने खुद बनाए हैं। या या नैना का जो ग्रुप है उसने अपने साइड लोगों को करने के लिए पता नहीं क्या गेम प्लान्स किए। जिस दिन मुझे मौका मिला और जिस दिन नैना से मेरा फेस टू फेस हुआ, किकड ऑफ लाइक एनीथिंग। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये टीम और ये जो दूसरी टीम है इन दोनों के बीच में होगा। जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी। इधर से कैप्टन है मैना और यहाँ से ऋतु। जानना चाहते हो कि आज क्या होने वाला है? Yes. केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट जहाँ से सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, होते हैं व्हेन थ्रू योर लिप्स व्हेन देयर इज अ किस। आज का बेवॉच सेशन का नाम है किस किसको। किसको? अबे ये टास्क का नाम है भाई, टास्क का नाम। दिमाग में घंटियां बजनी शुरू की भाई, आज तो माँ कसम कुछ धांसू जबरदस्त एकदम झटक वाला होने वाला है। एक लड़का सामने आएगा, he'll be chosen randomly, that boy will come in front. Team captains, आप या तो खुद या अपनी टीम में से किसी को पहले चूज कर चुकी होंगी फॉर दैट राउंड। जिनको आपने चूज किया होगा, जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, दे विल रन फॉरवर्ड एंड दे विल स्टार्ट लैंडिंग किसेस ऑन द बॉयज बॉडी। ये! ये! सबसे मजेदार बात क्या है कि किसकी गर्लफ्रेंड किसको किस करने वाली है ये किसी को नहीं पता है। द नो किस जोन्स आर द फ्रंट टॉर्सो, ऑफ कोर्स बिलो द बेल्ट। एक मिनट का टाइम है, जितने ज्यादा किसेस दिखेंगे, सो यू माइट हैव डन 2000 किसेस विच इज ग्रेट राइट, बट अगर दिखे नहीं हमें वो, इट्स योर फॉल्ट। जो भी टीम 5 राउंड जीत जाएगी वो टीम ये पूरा सेशन जीत जाएगी और आगे बढ़ेगी राइट। सो इट्स एसेंशियली अ बेस्ट ऑफ 9, विच मीन्स कि एक अनलकी गधा यहां पर होगा जिसको बिल्कुल भी किस करने को नहीं मिलेगा। हर किसी को ये था कि शायद मैं ना रहूं, मैं ना रहूं। I mean, I'm sure, यार ये हो जाए वो हो जाए, मुझे तो किसेस चाहिए सारी लड़कियों की। Alright, are you guys ready? Yes. Let the kissing begin. Ritu and Naina, आप किसको चूज कर रहे for the first round? As being a captain, I thought कि चलो पहले मैं ही चली जाती हूँ। Ah, captain leading from the front.
मैंने अपनी टीम से सबसे पहले भेजा निवेदिता को क्योंकि शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. ऑलराइट, हु वांट्स टू बी किस्ड बाय निबि एंड नैना. मतलब लड़कों की तो आंखों में जो चमक आ गई थी ना, चीज भी ऐसी थी यार मिस करने का मन नहीं कर रहा. कौन मिस करना चाहेगा भाई. मैडी कह रहा है कभी भी मेरा नाम आ जाए बस आ जाए. मैडी आई एम होपिंग कि इसमें तेरा नाम हो. ऑलराइट रेडी लेट्स गो. प्रियांक. मैं प्रियंक से थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही हूँ. कहीं ना कहीं से हमारा बॉन्ड बनते जा रहा है. कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो लोग दोनों एक साथ खड्डे में आ ही जाते हैं. I love Nibby's expressions right now. She looks like she's about to eat it. Oh God, no. आप दोनों के पास सिर्फ एक मिनट का टाइम है. The strategy was, I will go and just take the bag because सबसे ज़्यादा जगह होती है. मुझे लगा था, you know, थोड़ा awkwardness होगा यार, कैसे करूँगी, face पे किस करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ, थोड़ा awkward होगा. In 3, 2, 1, go. और निबि टूट पड़े मुझ पे और जो फिर उन्होंने किसेस करी है मुझे ऐसा लग रहा था कोई स्टैंपिंग मशीन एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस. डोंट ट्राई दैट परफेक्ट. निबि हियर, निबि हियर ऑन द शोल्डर. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप गोइंग. निबि, 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 निबि. ओ निबि. कितना खुश थी निधि. लिपस्टिक लगा के तनु लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया वे. एंड दिव्या वाज लाइक क्यों, लाइक ओके 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 ओके. जैसे जैसे किस बढ़ रहे थे उतने उतने मेरी नजर घूम रही थी. मैं दिव्या को देख रहा था तब के इफ शी इज यू नो कंफर्टेबल एंड ऑल. आई वाज लाइक दिव्या, If you have to survive in Splitsvilla, दो चीजें हैं, अपने आप को जला दो और अपने आप को बचा लो. एक पॉइंट ऐसा आया था कि कुछ पता नहीं चल रहा था. Five. Be here, Nibi, here on the shoulder. Yes, yes, very good, very good, very good, very good. Four. Three. Yes, yes, very good, very good, very good, very good. Two. Keep going, Nibi. Yeah, 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 yeah. One. Stop. छोड़ दो मेरे बेटे को. कोई आगे. पहला राउंड खत्म होता है एंड वी वर लाइक सो सो एक्साइटेड टू नो कि क्या हुआ है. वेरी क्लोज सनी. इट वाज 23 किसेस एंड 25 किसेस. एंड द यंग लेडी हु गॉट 25 किसेस इज नैना. आई वॉज सुपर हैप्पी. एक तो ये चीज़ कि हाँ हमारी टीम पहले ही राउंड में जीत गई एंड दूसरी खुशी ये थी कि नैना के किसेस ज़्यादा थे उन्होंने भी जितना के कम. सो आई वॉज अ लिटिल हैप्पी. कैप्टन हूज नेक्स्ट, रितु एंड नैना. मी कैप्टन हरसेल्फ. नैना दिव्या.
I was actually wanting Akash to come ki yaar chal wo aa jaye. But it was Mohit. It was very, very, very happy. Kyunki ab jo do, they are the prettiest of the lot. Go! जो आया था दिव्या के थ्रू वो पढ़ा यहाँ पर नहीं, मुझे खुद हंसी आ रही थी बट आई न्यू कि मुझ पे प्रेशर था बीइंग अ कैप्टन. अब ऋतु तो है जानवर, वो तो चढ़ जाएगी, ये बात मुझे पता थी. सो आई हैड टू लिटरली स्पीड अप माई सेल्फ. मैंने अपनी जिंदगी का जितना एक्सपीरियंस था सब उसमें लगा दिया. ये कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, रोंगटे खड़े होने लग गए. इट वॉज इनसेन. मेरी तो हालत खराब थी यार. ठीक है, जस्ट स्टैंड स्टिल. फाइव फोर थ्री टू वन स्टॉप. स्टॉप दैट वन डजंट काउंट. आई कांट टेल यू, इट वाज बहुत एक अच्छा फीलिंग आ रहा था कि मैडम बॉडी में झंझनाहट से लग पड़ी. यू हैव अ टोटल ऑफ 101 किसेस. मतलब जो जीती है उन्होंने 61 किसेस दिए हैं. रितु 61 किसेस. पता नहीं ये कैसे हो. आई हैव नो आइडिया ये कैसे हो गया. आई थिंक एक्सपीरियंस स्पीक्स. So it spoke. One kiss per second with one extra. मतलब potential है ना बंदी में, तो क्या कर सकता है कोई. Score है 1-1. Neck and neck चल रहा है. Captains Ritu और Naina. Who's gonna go next? Akshata. Isha. भाई एक तो ऐसा task जिसमें मिल रही है पपिया. ना मन में जो फीलिंग थी मेरे भाई भगवान कसम आज मेरा नाम आ गया. नाश नाचिए. ओ ईशा ईशा नाचिए. जिंदगी में किसी ने भी इस कमीने को पप्पी नहीं दोगी, पर आज किस्मत लड़के की चमक गई भाई. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और यू नो आई वाज लाइक व्हाई नाचिए. वो भी एक किस नहीं, दो किस नहीं, एज मच एज आई कैन. 3-2-1 गो. जो झपटे है उस पर कॉम्पिटिशन था, जीतना था. ईशा वेंट क्रेजी. उसने उसके मुंह कैसे पकड़ के कराई. बट इस बंदी ने तो बंदे को हिला दिया. दोनों बंदियां नचिकेता से कांप रहे, ऐसे कांप रहे कि अरे अरे अरे. उसके एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड 60 सेकंड कभी खत्म ना हो मेरी लाइफ के. 3-2-1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप. आई नो यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ बट पाजी तुसी सच्चा पुसी. चैलेंज के बाद काफी एविडेंट हो गया कि आई वेंट वीक इन द नीज और रणविजय सर और सरी मैम तब से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. व्हाट वाज दिस. He was weak in his knees. He's like, It's 34-37. What? So close again. Who had the dark colored lipstick? Isha. Isha. Those three kisses on his face made you win. Woo!
ना मैं पागल हो गई खुशी से, लाइक चलो इतना इतना मर मर के किस किया उसको, मतलब कुछ तो फायदा निकला। टीम कैप्टन्स रितु और नैना, who's gonna go next? Oh my god, Khushi and Alicia. Hello. मैं बोल रहा हूँ, कब आऊँ? कब क्या? आजा। उसने इतनी लिपस्टिक लगा ली अपने मुंह पे, इतनी लिपस्टिक, ये डर लगने लग गया यार। सबसे ज्यादा किसेस किसको मिलता है? इट वाजंट लाइक सबसे ज्यादा एरिया किसको कवर करना है, वरना हमारा पूरे मुंह पे लगा देते, फिर ऐसे पूरे मुंह पे लगा देते। I'm just gonna fix you. It's a little better. पर मनबुद्धि कहाँ दिमाग चल रहा? नहीं, मैं यही स्ट्रैटेजी यूज करके वापस लगा कि she was ready. लड़कों में आता है अच्छे। 3, 2, 1, go. Go, go, go. खुशी एंटर एंड शी फेल एंड शी फेल फ्लैट ऑन अ बम। मैन आई लाफ लाइक एनीथिंग, मतलब यार क्या कर रही है खुशी, तू क्या करना क्या चाह रही है? तो मैं कुछ नहीं सोचता कि क्या लोग देख रहे हैं, मैं कौन से पोजीशन में कितना किस करी, कुछ नहीं मन में आता, बिकॉज इट इज देयर टू कंप्लीट योर टास्क। मैंने ये सोचा कि अगर भले किस नहीं कर पाऊँ लेकिन करने भी नहीं दूंगी। तो जहाँ जहाँ पे जाती मैं मतलब उसको किस करने नहीं देती और मैं किस करती रही। खुशी मतलब राक्षस, उसके अंदर पता नहीं क्या डायन या राक्षस आ गई हो कुछ। 2, 1, stop, stop, stop. I don't know उसके अंदर कौन सी माता आ गई थी या क्या हुआ था। It was really, really funny for everybody to watch खुशी। 26-30. Alicia is 30, 26 is खुशी। We were actually happy क्योंकि नैना, अक्षता, दिव्या, उनका मुंह सड़ चुका था, literally सड़ चुका था। All right, who's going next? जैसे ही नैना ने कहा कि मैं आ रही हूँ, I said let's do it. मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि okay, if Ritu is there, she will go to any extent and she will do it. And I'm like, I will try to match with her. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये होने वाला है। एक तो मौसम अच्छा, ऊपर से आप जिम कॉर्बेट द डेन में, ओए, और उसके बाद दो लड़कियां को किस करने वाली है, फीलिंग समझ रहा नहीं? All right, girls, go! पहला किस जो मिला वो था सीधे मेरे मुंह पे, नैना ने वो किस किया और वो भी सीधे लिप्स पे। समझ नहीं आया था उसकी किस्मत में आज ऐसा क्या हो गया है कि दो हॉट लड़कियां उसे बस किस पे किस करी जा रही है। हमें लगा मतलब इसका तो यही हो गया, सीरियसली यही सीन हो गया इसका। 2, 1, stop. What? On the lips. Oh my God. उसकी आंखें बाहर आ गई, उसकी जुबान बाहर आ गई, वो सो हैप्पी लाइक अ डॉग। सो द स्कोर वाज 26-33। अब मुझे लगा ये फिर से जीत गई क्योंकि भैया 60 एंड 26 तो हो नहीं सकता, 33 होगा। 33 गोज टू नैना। आई लाइक क्वाइट हैप्पी कि चलो यार अब थोड़ा तो नॉर्मल हुआ, थोड़ा तो बैलेंस। Captains choose. Steffi.
उसके बाद थी स्टेफी की बारी एंड स्टेफी तो आपको पता है ये चैलेंजेस में बिलीव करती है. अलीशा, आई वॉज फीलिंग नर्वस बिकॉज आई वॉज अगेंस्ट स्टेफी एंड स्टेफी वॉज प्रीटी विशियस. जो लड़की का चिट उठा एंड दैट वाज सिद्धार्थ. आई मीन या आई फाइंड ही इज अ क्यूट बॉय. 3, 2, 1, go! तो हमारी लड़कियों ने ऐसा अटैक करा जैसे मान लो बिल्ली के सामने चूहा आ गया हो. उस टाइम पे मुझे एक्चुअली मजा आ रहा था क्योंकि अक्षता की शक्ल देख के मैं बहुत एंजॉय कर रहा था. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था उनको हटाओ, चमाट बजाओ और खुद किस करो. Steffi though, she was viciously kissing him. So I was like, I don't stand a chance. Like she's in it to win it. Alisha, मेरे रास्ते में जब आ रही थी, तो I applied this technique, blocking her from kissing portions and while I am kissing. I got pushed and I got elbowed in the chest. So that was quite painful. I was like, I couldn't breathe. I was like, बहुत टेंशन थी. मेरे को पता था कि मेरे को इसमें परफॉर्म करने हैं. आई हैव टू गिव इन माय बेस्ट. 5, 4, 3, 2, 1 stop. After the this thing was over, I was very sure कि शायद मुझे जीत जाना चाहिए because मैंने बहुत ज़्यादा किसेस किए थे. 33-45. Whoa. Whoa. Nana's team. So you guys got 45. Woo! I was like, yeah, I got it. I was happy. Captain's choose. Steffi. तब मैं समझ गई थी किस कैसे करना था. तो मैं अब तो ऐसे ही किस करने वाली थी. Haneet. चल ठीक है, कर ले किस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं है लड़कियाँ. माई प्लान वॉज टू अप्लाई किस. स्लो जाना है, काम रहना है, स्पेस देखना है. मैं ऐसी थी, कहाँ पे किस करूँ, जहाँ पे दिख रहा था मुझे. सीरियसली इतनी ज्यादा बदबू थी, वैसे उसकी यहाँ पे किस करना पड़ा था क्योंकि यही जगह बची थी. आई वाज लाइक, अरे हाय छी भगवान, क्यों क्यों मेरे साथ क्यों. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 stop. I was pretty sure कि मेरे किसे ज़्यादा थे क्योंकि उसकी पूरी बैक मेरे वाली कलर की लिपस्टिक से भरी हुई थी. 36-39. Do you want to know who gave the 39 kisses? Anmol. Best thing was हम जीते. Ritu, captain. नैना कैप्टन. स्कोर 4-3 हो चुका है, अभी भी आप लीड में. इफ यू विन दिस वन यू विन, इफ यू गाइस विन दिस वन इट विल बी अ टाई. हूज गोना गो नेक्स्ट फ्रॉम योर टीम्स. अक्षता, अनमोल. सिर्फ तीन लड़के बचे थे, आकाश, मैं और बसीर. पिपू. और मेरी लॉटरी लग गई. अगर मैं हार जाती थी, मेरी पूरी टीम हारती थी, तो दैट वाज माय चांस टू प्रूव. लकीली मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मैं बहुत टॉल हूँ, तो मैंने उनका नेक और उनका फोरहेड वगैरह कवर कर लिया. Five.
मुझे एक गट फीलिंग थी, मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि हम जीत जाएंगे. रेडी फॉर द रिजल्ट? यस. द स्कोर 52-47. ओह, 52 किसेस इज व्हाट अनमोल लैंडेड ऑन यू. हमने एक्चुअली साबित कर दिया कि डूड, आप जिसको अंडर एस्टिमेट करते हो वो आप कम मत समझो. बसीर एंड आकाश, आई डोंट नो व्हाट टू से मैन. किस लिए बॉडी बनाई है यार कि कपड़े उतार के खड़े और एक लड़की ने आगे किस नहीं दिया. आई एम स्टैंडिंग तालियां मारते हुए नंगा, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है. ऑलराइट, वी विल सी यू गाइस लेटर, गो बैक टू द विला, एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हम फिर उसके बाद विला वापस आते हैं अपनी बे वॉच एक्टिविटी के बाद, तो काफ़ी खुशी थी कि मतलब रितु's टीम वॉज अ क्लियर विनर और रितु के साथ मेरा एक कनेक्शन डेवलप हो रहा था. हम जीते हैं ठीक है, पर मुझे एक भी किस नहीं मिला है. मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा था एक्चुअली, मुझे बहुत मजा आ रहा था सबका चेहरा देखकर. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि रितु मेरे को ही चुनेगी. चाहे तेरे को एक भी किस नहीं मिला, बट तुझे ये तो पता चल गया ना कि योर सोलमेट इज अ किसिंग क्वीन. मैं कुछ बोलूंगा भाई, बुरा मत मान लो, प्लीज वी आर ब्रदर्स. मैं चुप आ जाऊं, बट यू आर वन लकी मैन. आई वाज किस्ड बाय हर एनीवे. तो सब लोग मुझे बोल रहे थे किसिंग क्वीन, मैं मल्लिका शरावत थोड़ी ना किस किस करने के लिए दौड़ रही हूँ. कैसा फील हुआ जब निवेदिता ने किस किया? The most, the biggest rival. कैसा फील हुआ आपको? भाभी, बताइए. कैसा लगा आपको? बताइए. जनता जानना चाहती है, बताइए. क्या जने में नमक? अरे आंसर. क्या? वो बोले ना जने में नमक चढ़ा रहा है. तुम नहाओगे अभी 10 बार घिस के अपना बदन. 10 बार? निवेदिता का जो भी कनेक्शन हो या कुछ भी हो, प्रियांक के ऊपर जो मेरा ट्रस्ट है वो रहेगा हमेशा और था हमेशा और वो वैसे ही रहेगा. हम सुबह सुबह उठते हैं, वेदर बहुत कमाल का था विला में, विला बहुत खूबसूरत लग रहा था एंड हमारे पास मैसेज आता है. गुड मॉर्निंग स्प्लिट्स विलेज. गुड मॉर्निंग. आज का टेस्ट या बॉन्ड एक कपल चैलेंज नहीं बल्कि एक ट्रियो चैलेंज होगा. विनिंग टीम की हर लड़कियों को ऐसे दो लड़कों को चूज करना है जो उनकी मदद करेंगे टेस्ट या बॉन्ड चैलेंज में. सो गर्ल्स, कैच योर मैच बिफोर एनीवन एल्स एंड मीट मी एंड रणविजय एट द टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज. सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो पहले करी थी कौन किसके साथ जाने वाला है जैसे स्प्लिट्स वाला में होता है, वो धरी की धरी रह गई. निवेदिता कम्स अप टू मी एंड शी इज लाइक, दिव्या लेट्स डू दिस, मैं ये चैलेंज करना चाहती हूँ और अगर यू आर फाइन विद इट तो प्रियांक हमारे साथ चैलेंज कर सके. अलग अलग पता नहीं अभी तक किसी ने कुछ कहा है या अप्रोच किया है He was very nice, he was very kind about it. उसने उन्होंने कहा कि ठीक है, I will perform this challenge with you and Mohit. मुझे लगा ये बहुत अच्छा मौका है निबी के साथ जाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि जो निबी के साथ मेरा जो पूरा प्रॉब्लम हुआ था, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मी टू कवर अप. तो मैंने सोचा कि मैं और प्रियंका मिलके निवेदिता को सपोर्ट करें. सबसे पहला मेरा ऑप्शन था बसीर, बिकॉज उसका मेरा काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन है, काफी अच्छी हमारी रेपो है. उससे पहले दोनों आए थे कि कैन यू परफॉर्म विद अस, सो आई सेड तुम फर्स्ट पूछे तो हम किसके साथ जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक वी शुड से? डिड यू आस्क प्रियंक? अभी नहीं पूछा मैंने, भाई इसलिए आस्क हिम फास्ट यार. बहुत शॉकिंगली उसने मेरे को मना कर दिया, व्हिच वाज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी. आई वाज लाइक ओके चलो नो प्रॉब्लम, कहीं शायद आपको डर है कि कहीं स्ट्रॉन्ग लोग ना जीते. मेरी बॉन्डिंग अनमोल और निवेदिता के साथ थोड़ी सी थी, तो मैं चाहती थी कि उनका हेल्पर हैंड सिद्धार्थ बने.
बट उन्होंने सबसे पहले बसीर और प्रियांक को चुना, तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन था ऋतु और आकाश. ऋतु और आकाश में द लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं चाहती थी सिद्धार्थ पैरअप हो. फॉर मी द थिंग इज आई हैव टू विन इट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू फॉल इनटू अ डंपिंग ग्राउंड बिकॉज़ मेरा अभी भी कनेक्शन बना है और एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है जो जो भी टीम जीतेगी एटलीस्ट लड़के तो सेफ होंगे दोनों उसमें से. मैंने नचिकेत को ही बोला कि मैंने कहा तू मेरी टीम में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ही वोंट डिसअपॉइंट मी. मैंने देख लिया कि बाकी लोगों ने ऑलरेडी चूज कर लिया है कौन किसकी टीम में है. हमारी टीम अगर वीक भी है या जो भी है, हम अपना चैलेंज अपना टास्क पूरा करेंगे. हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां हमारा टेस्ट या बॉन्ड का नेक्स्ट चैलेंज था. हम लोग सब सोचते थे कि क्या हुआ क्या होगा. वी ऑल स्टार्टेड रनिंग आवर ब्रेन एंड देखने के लिए कि क्या आने वाला है क्या होने वाला है. How was the night after Kiss Kiss Go? Any more Kiss Kiss Go happen? Yes. Yes? You're like, yes! Yes, I finally got the kiss. Kiss se? Basir, hopefully tera bhi kuch story shuru hoga aaj. Yes, of course. Kiske saath? Naina, of course. Nobody in the entire lot, no offense to anybody, मेरा इतनी आई मीन इससे ज्यादा मैं कनेक्शन किसी और से नहीं बना सकता. एंड इट इज वेरी क्लोज सर. एक बंदी जो बशीर को चुप करा सकती है सर. बशीर की करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है. So my name Basir means the seer of all, the one who can see through everything. Okay. और उनका नाम नैना है. Then that means eyes. So if I want to see through everything, I need the eyes. So I think that's like. आप मेरी smile देखते हो उस time, मतलब मैं बहुत ही खुश थी कि कम से कम he is always taking a stand for me and smiling and this and that. We have 5 teams, दो लड़के और एक लड़की. सनी और मैंने सोचा कि आप काफी टाइम से यहाँ पर आए हो, थोड़े से वीक लग रहे हैं लड़के और लड़कियाँ. Yeah, you guys look a little hungry. थोड़ा सा, you know, need a little bit of color, a little bit of fruitiness in your life. इस चैलेंज का नाम है प्यार का रस. प्यार का रस. अब हमने जैसे ही सुना, मैंने सोचा प्यार का रस तीन लोगों में कैसे हो सकता है साला. सेक्सी. एक लड़का लड़की को उठाएगा और भागता हुआ दूसरे टेबल के पास जाएगा. दूसरे टेबल पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं. फ्रूट्स हैं, दो चार अलग अलग चीजें हैं. वो सब चीजें एक एक करके यहाँ पे आएंगी. लड़की उसको उठाएगी और वापस यहाँ पर लाएगी और यहाँ पर वो तीसरे जो तीसरा पार्ट है उस टीम का उनको देंगी. But wait, wait, wait. How are you gonna pick up the fruit? कैसे उठाएंगे? So, sorry, I can't use your hands. हम लोग सब सोचते थे कि क्या हुआ क्या होगा. बट यू नो स्प्लिट चला में ऐसा सीन है कि तुम जितना मर्जी दिमाग चला लो होगा कुछ ऑपोजिट ही. एक्चुअली जो लड़की मुंह से वो फ्रूट उठा के लाएगी यहाँ पर, उसको उस लड़के को वो फ्रूट देना है, लेकिन वो दोनों अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. दे विल गिव इट बाय योर माउथ. जब वो फ्रूट मिल जाएगा देन द गाय विल पुट इट इन द जूसर एंड जूस इट. आपको दो ग्लास फुल जूस के पहले बनाने हैं और फिर उसको पीना है. हमें एक और झटका दिया गया. वो जूस में सिर्फ फ्रूट्स नहीं होंगे, उसमें 4 की 5 और चिलीज भी मिक्स किया जाना पड़ेगा. एंड ऑल द चिलीज हैड टू बी यूज्ड. जो 3 टीमें ये पहले करेंगी वो 3 टीमें आगे जाएंगी. तो अब गर्ल्स एक एक करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन उनको उठाएगा और कौन जूस बनाएगा और जूस पिएगा. एंड वंस इट्स डिसाइडेड वही उनका रोल रहेगा इस चैलेंज में. मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अनमोल को उठाऊं क्योंकि वो कनेक्शन मेरा नहीं था. ऋतु ने मेरे को चूज करा कि मैं उसको उठाऊं बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फिजिकली स्ट्रांग. सिद्धार्थ उसको नहीं पिक कर पाता. मैंने कहा गधा मजदूरी तो कराएंगे हम एक लड़के से जो कि अर्चित. मैं क्यों भागूं. मेरी टीम की जो बंदी है वो है सबसे ज्यादा भारी. मैं नहीं चाहता भाई मैं उसको लेके करूँ या मेरा सीन हो या कुछ. मैंने सीधे नचिकेत को आगे कर दिया. मैंने कहा भाई इसको तू उठा लियो. अलीशा इज एविडेंटली द हैवीएस्ट गर्ल अराउंड हियर एंड आई एम नॉट रियली द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय एट ऑल. यू गाइस रेडी?
then let the juicing begin. Yeah, all right. 3, 2. मैंने रितु को उठाया और ट्रस्ट मी वो बहुत पतली दुबली दिखती है. शी इज नॉट लाइट. इजी ब्रो, इजी. आराम से, आराम से, आराम से. नचिकेत भागते भागते 5 कदम में सीधा गिरा नीचे. I was so embarrassed because सबके सामने था. ओ लोलू, वो भागते ही ना गिर गया. लड़की को पीठ के बल गिरा दिया उसने. मैंने कहा भाई शुरू होते ही 2 जन गिर गए. आई न्यू कि ठीक है हमारा पोजीशन इज सेट, हम आगे जा रहे हैं. एक्चुअली बहुत ही ज्यादा क्विक थे और बहुत ही स्पीड में मुझे एक साइड से दूसरी साइड तक वो उठा के लेके गए. मेरे अकॉर्डिंग मैं फोकस दूसरी टीम पे नहीं कर रहा था. मेरा फोकस था कि मैं मेरी स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करूं. से आराम से, इट्स ओके. पहला फ्रूट मेरे जूसर में गया, फिर आना शुरू किया. खत्म हो रहा ही था, मैं अपनी शक्ल ऊपर करता हूँ. आई सी मूल इज राइट हियर विद अनदर फ्रूट. I was very happy. ये लोग बहुत ही जल्दी से ये टास्क कर रहे थे. आराम से. French kiss फिरंगी है, देसी kiss ही चंगी है. इसके बिन बताओ क्या दिल को कितनी तंगी है. Nice one, Nibi. मुझे ना बोल दूँ. मेरी तो बहुत अंदर से के यार, मतलब उठा के मैं भाग रहा हूँ और इतने पास से धारती ऋतु जाने वाली है. प्रियांक को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था. मेरा काम था सिर्फ लिप्स से फ्रूट लेना. I love it. Look at them. So fine. So fine. यार इतना वेट मैंने कभी लाइफ में नहीं उठाया रहेगा. अलीशा हैज अ वेरी ह्यूज बॉडी एंड उसे उठाकर 10 बार लेकर आना जाना किसी लड़के के बस की बात नहीं है. कुंडली में कौन से ग्रह की है दशा. अलीशा थोड़ी सी हैवी तो है ही यार, कोई डिनाई नहीं कर सकता. यू नो मेरे लिए डिसएडवांटेज ये था कि हम तीनों का ट्रायो इतना अच्छा नहीं बन रहा था. आके बगल में बैठ गया मेरे और कहता है अमीर से नहीं हो पाएगा. अमीर से ओ काके तू आया क्यों है. अर्जित 1 सेकंड में वो जीत जाएगा, तू हार जाएगा. अबे खड़ा हो यार. मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लग रहा था उसको वहीं पे झापड़ मार दूं या वहीं पे कहीं जंगल वंगल में कहीं छोड़ दूं उसको. जब मैं जूस बना रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, वो अपने ग्लासेस में भरते जा रहे थे हर राउंड के बाद. मेरे दोनों ग्लासेस खाली रखे, मैं वो कंटेनर जिसमें जूस गिर रहा था उस कंटेनर को सारा रिम तक फुल करना चाह रहा था. It's full. जैसे ही वो कंटेनर फुल हुआ मैंने पोर किया एंड एक पोर में ट्रस्ट मी एक फुल ग्लास तो फुल हो चुकी थी रिम तक एंड सेकेंड ग्लास हाफ से थोड़ा ऊपर तक फिल हो चुकी थी. सिर्फ एक फ्रूट लाना था, मेरे से नहीं हो पा रहा था. जब आप प्रेशर में होते हैं, पेन में, अगर आप चिल्लाते हैं तो आप उस एनर्जी को रिलीज कर देते हो, उस पेन को. मैं आया वापस और फ्रूट डाला. मेरी ग्लासेस फुल हो गई. नाउ इट वाज टाइम फॉर मी टू ड्रिंक इट. जैसे मैंने उसको सिप किया, फर्स्ट सिप के बाद ही मुझे फील हो गया था कि इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है.
वो मेरी नाक में थोड़ा चला गया. This part was like burning. मेरी स्किन जल रही थी. I was feeling so uneasy. Finally, उन्होंने सबसे पहले वो टास्क खत्म किया और अच्छी खासी लीड से हम लोग फर्स्ट आ गए. I was like, wow, this was the superb team combination. अब मैं देखता हूँ कि दूसरों की तो आधी आधी ग्लास है, उससे ज्यादा बाकी था दूसरों के पास. एक राउंड और मारना था. बहुत मुश्किल होता जा रहा था गेम, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी अगर ये जीत हमारे हाथ में आ गई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. मोहित, एक ग्लास जूस चिलीज के साथ बनाया और एक ग्लास जूस एकदम मीठा बनाया ताकि वो पहले चिलीज वाला पी ले और फिर उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो वो दूसरा वाला जूस पीने के लिए. ये चैलेंज जीत जाते हैं. निबी का ट्रस्ट मैंने जीत लिया है और कहीं ना कहीं मैंने मोहित का भी ट्रस्ट जीत लिया उसको हेल्प करके. इट्स अ गुड थिंग, इट्स एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी. हमारी सिर्फ एक फ्रूट की शॉर्टेज थी तो मैंने ऋतु को बोला कि तू किसी भी तरीके से एक और मौसम्बी ले आ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रस था वो मौसम्बी में से निकल रहा था. I was almost dead. सांस फूल रहा था. चल चल चल, come on, do it, यार. आकाश, come on, man. आकाश, come on. At that time, Ritu was very supporting. एक zeal लाया मेरे अंदर कि नहीं आकाश, आपको ये टास्क करना है, मुझे प्रूव करना है. एक बार को वो प्यूक करने वाला था बट लिटरली हमने उसकी पीठ थपथपाई. ये मिर्ची तो उफ उफ मिर्ची हो गई, बहुत तीखी थी, बट अक्षता जी तो मुझे काफी सपोर्ट करी थी. He was amazing. मतलब गट 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 पी गया. And I was like this. So that sense of relief was so good. आप अपने आप को प्रूव करते हो. You show yourself as a competition to other boys and girls, which I wanted to do. हमें पता चला कि हम थर्ड आ चुके हैं, तो हम बेसिकली चैलेंज जीत चुके थे. गुड न्यूज ये है कि आज आप डेट्स पे जाने वाले बट आप तीन लड़कियां उन दो लड़कों के साथ डेट पे जाएंगी जिन्होंने आपके साथ इस चैलेंज में परफॉर्म किया. I was shattered. That was a very bad feeling, honestly. बार बार ये coincidences हुए जा रहे तो ऐसे लग रहा था ऐसा भी हो सकता है कि प्रियांक मेरा आइडियल मैच है. और फाइनली गर्ल्स, ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज के लिए, बिकॉज इन द डोम यू विल ओनली एंटर विद वन ऑफ दीज बॉयज. गर्ल्स, आप हमें अपना डिसीजन डोम के अंदर बताएंगी.